एक बड़ी खबर का जो बीजापुर से मिल रही है, जहां सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा सुबह करीब 4 बजे के बीच हुआ और आज तेलंगाना से उड़ीसा से जाते समय कार पेड़ से जा टकराई, जिसमें एक की मौत हो गई है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजापुर की, जहां पर सड़क हादसा हो गया जिसमें एक की मौत हो गई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी में से घायल और जिसकी मृत्यु हुई है उसको बाहर निकाला गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो वहीं जो घायल है उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी की हमारे साथ में संवाददाता पवन दुर्गम जुड़ गए हैं। पवन, कैसे हुआ हादसा? जी बता दूं, ये करीमनगर तेलंगाना से ओडिशा के लिए लौट रहे थे। सुबह करीब 4 बजे का टाइम था, गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और पेड़ से जाकर टकराई, जिसमें मौके पर ही एक व्यक्ति की जो है वो मौत हो गई है। बाकी दो घायल हैं जिनको मोदकपाल थाना के जवान और 108 की मदद से जिला हॉस्पिटल लाया गया है। जो घायल हैं उनको मल्टीपल फ्रैक्चर है, बहुत जगह से उनको चोटें लगी है। जी चलिए पवन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बात करेंगे रायसेन